मेन पॉइंट वो है फोर्थ पॉइंट विच इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट जो अभी करंट ईयर फेस कर रहे हैं, अभी हम कुआलालंपुर में है ना, लेवर चल रहा है, वो है भाई खाना। वेजिटेरियन भाइयों के सारा सारा शैतानिया मेरी ओ लेडी ओ लेडी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग भाई? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे और सुरक्षित अपने घरों में। ये व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप मेरी और हर्षिता की। घर से निकल चुका हूँ, ये रहा बैगेज वगैरह ले लिया है, ठीक है। अभी जाऊँगा मम्मी पापा के पास, उनसे आशीर्वाद लेके, उसके बाद हर्षिता क्लिनिक से पिक करेंगे और फिर वहीं से जाएंगे एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी टर्मिनल 3, ठीक है। और हम कहाँ जा रहे हैं ये हर्षिता ही आपको बताएगी, ठीक है। बाकी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ वीज़ा ऑन अराइवल है, बीच में लेओवर भी है। तो इस वाले व्लॉग में हम बेसिकली कवर करेंगे क्या क्या प्रोसेस होता है वीज़ा ऑन अराइवल का, क्या प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कहाँ कहाँ पे लेवर होता है, हमारा लेवर कहाँ है, कितने आर्स का होता है, कितने आर्स का लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वो तो हमें आज जाके पता चलेगा कि हमने जो लिया है वो ठीक लिया है या नहीं लिया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गो। तो यार जैसे मैं बता रहा था, मम्मी पापा के पास आया हूँ, पापा तो गए हुए हैं अभी, ठीक है, ऑफिस गए हुए हैं, तो मम्मी मिली हैं और मम्मी से आशीर्वाद लेके निकलते हैं। क्या करो अम्मी, कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? कीर्तन में चली जाऊंगी नीचे। और हम तुम जाओगे नहीं नहीं बताना को ना, सरप्राइज अभी बाहरी से मुंह की ना ना, ठीक है, चलो ठीक है, ध्यान रखना, चलो ठीक, 10 दिन बाद मिलते हैं। हाँ चलो, लेट्स गो गाइस। फोन वोन करता रहिए। यस एंड शी इज हियर डायरेक्ट फ्रॉम क्लिनिक। ट्रॉली लेके आई है। अभी हम पहुंचे हैं, हेलो अर्षिता, T3 में अभी, और देख रहे हैं हम एक्चुअली बहुत पहले पहुंच गए हैं, 4 घंटे पहले पहुंच गए हैं, 4-4.5 घंटे। यहाँ आपने फ्लाइट की ड्यूरेशन देख रहे हैं, कहाँ पे आ जाएगा, दोबारा आ जाएगा। तो यार जस्ट अभी इमिग्रेशन वगैरह क्लियर हुआ है, सामान वगैरह चेकिंग वगैरह सारी, क्या क्या प्रोसेस है बताऊँगा अभी। ये देखो भाई ड्यूटी फ्री जो जो लोग हैं, एज यूजल वो व्लॉग में कुछ नहीं बोलेंगी, बस बस साइड में चलती रहेंगी। एक्चुअली हम दोनों का ये फर्स्ट इंटरनेशनल, तो थोड़ा माहौल को एब्जॉर्व कर रही हैं। शी वांट टू शॉप एंड माय किडनी इज ऑन सेल। ना वेट लेके घूम रहा था, हर्षिता का एक बार चेहरा देखो, वेट भी थोड़ा सा वेट लेके चल रही हैं ये। शक्ल देख लो इनका, बैग नीचे झूल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है अलग। तो यहाँ वेट करते करते थक गए थे कब हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम 20 या 25 मिनट लेट हो गए थे, इतनी देर से वेट कर रहे थे कब शुरू होगी कब शुरू होगी। फाइनली जाके नंबर आया, लास्ट टाइम जब मैं ट्रिप पे गया था मैं अकेला ही गया था, अब हो चुकी है शादी, तो कैमरा इधर उधर कहीं नहीं जाना चाहिए, सिंपल फोकस रहना चाहिए, ठीक है, समझ गए। चलो ओके बाय। जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि बीच में हम कहीं ना कहीं उतरे, तो हमारा लेओवर था मलेशिया में कुआलालंपुर में, तो अभी वहीं पे ही हैं हम, पीछे बैठी है, कहाँ बैठी है, और ये अर्षिता बैठी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 7-7.5 घंटे का लेओवर है, अभी टाइम हो रखा है 11, तो शाम को 5:15 बजे है यहाँ से हमारी फ़्लाइट। कहाँ पर है फ्लाइट? बाली है फ़्लाइट, ठीक है, वो तो ब्लॉग के टाइटल समझ जाओगे। तो अब इसके बाद बेसिकली मैं एक शांति जगह बैठने वाला हूँ, और तुम्हें बताऊँगा क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है और क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए होती, ठीक है, जैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लगे वहाँ से आने, वीज़ा ऑन अराइवल का भी बताऊँगा, ठीक है, इस पार्ट के बाद अभी। लेकिन पहले मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा जो हमने फेस की, और क्या क्या चीज़ें आप प्रिवेंट कर सकते हैं जो आप लोगों के साथ ना हो, या जो हमने देखी बाकी लोगों के साथ हुई, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, और अभी मैं थोड़ा स्पॉट ढूंढता हूँ जहाँ पर आराम से बैठ के बात कर सकूँ। वेयर फाइनली एक मेरे को पीसफुल प्लेस मिला है जहाँ पर आराम से थोड़ा बात कर सकते हैं। फिर वो एक्चुअली 3-4 पॉइंट मेन हाईलाइट्स करते हैं जो हमने फेस की, और मैं चाह रहा था कि वो आप लोगों के साथ ना हो या किसी के साथ भी ना हो, तो ठीक है ध्यान से सुनना आप चीज़ें। 3 चीज़ें बता रहा हूँ, पहली है आपका लगेज से रिलेटेड, ठीक है, लगेज से रिलेटेड क्या होता है, जनरली हैंड बैगेज 7 kg अलाउड होता है, ठीक है। अगर आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हो, जैसे हमने भी किया, मैंने हर्षिता ने, तो वो क्या रहा था, हर्षिता का हो रहा था 9 kg और मेरा था 7 kg, ठीक है। तो पहले मैं गया चेक इन कराने, अपना चेक इन कराया, हैंड बैगेज पासपोर्ट वगैरह दिखाया, सब हो गया, फिर मैं आ गया बाहर अपना बोर्डिंग पास लेके। इसके बाद क्या किया, हर्षिता के बैग से मैंने निकाल लिया 2 kg, मैंने डाल लिया अपने बैग में, फिर हर्षिता गई, हर्षिता ने अपना कराया, बोर्डिंग पास लगा, हो गया, ठीक है। इसके बाद कहीं पे भी पूरे एयरपोर्ट पे
और इमिग्रेशन के टाइम भी आपका कोई चेकअप नहीं होगा, ठीक है, तो बेफिक्र आगे जाओ। तो ये एक तरीका अपना हैंड बैगेज आराम से थोड़ा सा ज़्यादा ओवरवेट लेके जाने का, अगर आपके साथ एक और मेंबर ट्रैवल कर रहा है तो, ठीक है। सेकंड चीज़ है कि बहुत लोग बोल रहे थे कि इमिग्रेशन के टाइम बहुत सारे चीज़ें पूछते हैं, आपके पास फिजिकल कॉपी होनी चाहिए, हार्ड कॉपी वगैरह होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट रखो और अपना बोर्डिंग पास, दैट्स इट। और मुश्किल से मुश्किल 3-4 मिनट का टाइम, 3-4 मिनट लगेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, वो भी कब, मैक्सिमम 3-4 मिनट लगेंगे तब जब आप लाइन क्रॉस कर गए, क्योंकि लाइन जो है ना वो बहुत लंबी लगती है, ठीक है, बस उसी में मेन टाइम लगता है, वेटिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा है, अदरवाइज जब आप पहुँच गए वहाँ पे ऑफिसर के पास, वो तो मुश्किल से 1-2 मिनट का काम है, दैट्स इट, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो ये है कि एक्चुअली जब मैंने आपको बताया कि 2-3 मिनट लगती है मैक्सिमम इमिग्रेशन के टाइम, तो प्लस आपसे ये भी पूछेंगे कि आप करने क्या जा रहे हो, पर्पज़ क्या है विजिट का, प्लस आपसे रिटर्न टिकट भी ज़रूर मांगेंगे, और वहाँ पे जो आपकी बुकिंग है, फ्लाइट बुकिंग है, जो होटल्स वगैरह की जो बुकिंग है, उसका भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए, जितने भी दिन के लिए आप, मतलब जितने भी दिन के लिए रुक रहे हैं, सारा प्रूफ नहीं चाहिए बट इनिशियल डेज का प्रूफ होना चाहिए कि हाँ आप बुकिंग करके आ रहे हो और कितने दिन के लिए जा रहे हो और आपकी रिटर्न फ्लाइट भी है। प्लस हमसे ये भी पूछा था एक क्वेश्चन और कि कितनी करेंसी कैरी कर रहे हो, जैसे हम डॉलर्स में कैरी कर रहे हैं तो कितनी करेंसी कैरी कर रहे हो, दैट्स इट, ठीक है, ये चीज़ें पूछी थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। थर्ड चीज़ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि इमिग्रेशन के ऑफिसर के पहुँचने के बाद टाइम नहीं लगता, बट उससे पहले बहुत लंबी लाइन लगती है, तो उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन बता रहा हूँ, घर से टाइम पे निकलो, एटलीस्ट आपको एयरपोर्ट पे 3-3.5 घंटे पहले पहुंचना ही है, जो आपका बोर्डिंग टाइम है। तो सपोज़ हमारा बोर्डिंग टाइम था 10:40, तो हम पहुंच गए थे 7 बजे के आसपास, 7:20, 7:25 के आसपास पहुंच गए थे, और पहले में लग रहा था बहुत जल्दी आ गए, बट अल्टीमेटली पता हुआ कि बिल्कुल सही टाइम पे आए, अगर थोड़ा सा भी लेट होते तो शायद हम भाग रहे होते इधर से उधर, ठीक है। तो 3-3.5 घंटे पहले पहुंचना है आपको बोर्डिंग टाइम से, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और सबसे मेन पॉइंट वो है 4th पॉइंट, विच इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट जो अभी करंट ईयर फेस कर रहे हैं, अभी हम कुआलालंपुर में है ना, लेवर चल रहा है, वो है भाई खाना। वेजिटेरियन भाइयों, अपना घर से खाना लेके आना, सच बता रहा हूँ, यहाँ नहीं मिलेगा वेजिटेरियन कुछ भी, अगर कुछ है एक दो चीज़ें, वो इतनी गंदी है बस बता नहीं सकता। नवरात्रि का टाइम वैसे ही चल रहा है, तो हमारी तो हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, ढूंढ ढूंढ के छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं, क्या खाएँ। कभी दोबारा जाएंगे बर्गर किंग पे भी, एक बार फिर से देखने कुछ मिल जाए, शायद मशरूम वगैरह कुछ मिल जाए तो वही खाएंगे, मतलब सच में ही, और वेजिटेरियन तो भाई ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो 4 चीज़ ये थी, तो फाइनली हम जा रहे हैं, इट्स टाइम टू फ्लाई अगेन टू बाली। लेट्स गो, सब दूसरी फ्लाइट में निकल पड़े। ओके रामू काका, सही से सामान लेके जाना मेरा। क्या हुआ, सब कूट दिए गए, सब कूट दिए गए। चलिए सही से सामान रखिएगा मेरा। ये जो फ्यूम्स दिख रही है, हम लोगों ने पहली बार ही देखा था, मैंने और अर्शिता ने, तो हमने कैबिन क्रू से पूछा भी कि व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, तो उन्होंने बताया कि बाहर रेन हो रही है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए ही, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए चीज़ थी। और ये शुरू हो गया था हमारा पार्ट 2 कुआलालंपुर से बाली, और बाहर का वेदर बहुत अच्छा, मैं तो सो गया था, अर्शिता ने ये वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करी है, और नेक्स्ट लेवल। बाली पहुँच गए हम, और बहुत सुंदर बना हुआ है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट इज टाइम। सबसे पहले हम जाएंगे भाई वीज़ा ऑन अराइवल के लिए, ठीक है, उसी के लिए यहाँ पे कियोस्क लगा होगा, तो वहीं जाके अपना पहले वीज़ा ले लेते हैं, स्टैंप लगवा लेते हैं, देन वी विल मूव अहेड। तो यार वीज़ा ऑन अराइवल तो ले लिया हमने, ठीक है, $32 है, तो $64 हो गया टोटल, नहीं $32 ईच है, हाँ तो ठीक है। और अभी जा रहे हैं इमिग्रेशन के लिए, थोड़े डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे, ठीक है, लेट्स गो। वीज़ा ऑन अराइवल हो चुका है, स्टैंप भी लग चुकी है, अब जा रहे हैं बाहर की तरफ, देखते हैं और कुछ फॉर्मेलिटी है या नहीं है, लेट्स गो। तो भाई मैं आपको बता रहा था ना, जैसे मतलब एग्जिट करेंगे यहाँ से, तो इतने सारे सिम कार्ड के ऑप्शन होते हैं, सारे सिम कार्ड का ऑप्शन, तो हमने अभी एक चूज़ किया, हर्षा ले रही है अपने स्पेशलिस्ट की सिम, मतलब हर्षा की सिम काम नहीं कर रही, तो हमने सोचा उसी की सिम में करा लेते हैं, तो वो सिम ले रही है, उससे फिर मैं हॉटस्पॉट वगैरह यूज़ कर ही लूँगा, क्योंकि उनकी वैसे वो वाली सिम तो चल नहीं रही इंडिया वाली, मेरी वाली वो सिम तो चल रही है, तो आई थिंक इट्स अ बेटर ऑप्शन। और 34 GB हमें डाटा मिल रहा है अराउंड 1200 रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़ 1200, तो बेस्ट डील है, 10 दिन आराम से काम चल जाएगा, बाकी होटल वगैरह वाईफाई होता ही है।
तो एडजस्ट अभी होटल पहुँचे हैं और पास में ही, मतलब पास में तो नहीं, 10-12 किलोमीटर के अराउंड थे होटल, वहाँ आए हैं अभी, रेस्ट किया, अभी बस खाना खाने बैठेंगे, रात के हो रखे हैं 11:30, ठीक है, अभी जस्ट डिनर करेंगे। तो मैंने सोचा एक बार आपको थोड़ा रैप अप कर देता हूँ, जो जो चीज़ें हुई, हमने जो वीज़ा ले लिया था अभी लास्ट में, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्राइसेस भी आपको स्क्रीन पे वहाँ पे दिख जाएंगे क्या प्राइसेस थे। उसके बाद इमिग्रेशन के लिए उन्होंने जो स्टैंप लगती है वो लगी, बस नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे थे कि यही किस लिए जा रहे हो, कितने दिन के लिए आ रहे हो, एंड दैट्स इट, नथिंग। इंडियन से वो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते भी नहीं है, ठीक है, बाकी जो दूसरी कंट्रीज होती हैं उस साइड की, समझ गए ना, तो वहाँ से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे, इधर ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है, बाकी कोई दिक्कत हुई नहीं। अच्छा, अब दो चीज़ें स्टार्टिंग में तो मैंने तुम्हें 3-4 चीज़ें बता दी जब वहाँ से चले थे, 2-3 चीज़ें और जो हमें यहाँ आके और रियलाइज़ हो रही हैं। क्या? पहला कि करेंसी एक्सचेंज करा के रखो, मतलब डॉलर लेके आओ, जरूर कुछ ना कुछ डॉलर लेके आओ, और कोशिश करो कि आपके पास इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है, जो कि स्वाइप भी हो सकता है, जिसमें पिन डलता है, और जो कि वाईफाई टैप वाला होता है, क्योंकि कुछ ऐसे रेस्टोरेंट यहाँ पे है जहाँ पे वो टैप वाला नहीं होता ऑप्शन, तो आपको पिन ही डालना पड़ेगा, ठीक है, एक चीज़ तो ये। दूसरा ये, अपने साथ इंडोनेशिया करेंसी जरूर लो, एक्सचेंज करा लो होटल पहुँचने से पहले करा लो, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे ना हो, कोई दिक्कत आए, जैसे हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी क्योंकि मेरा इनकरेक्ट पिन बता रहा था कई बार, तो चल वो तो मैंने सेट कर लिया, अभी ऑनलाइन पिन सेट कर लिया था, चेंज कर लिया था, बट आप लोगों के लिए बता रहा हूँ ताकि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो जब भी आप बाली आओ। इसके अलावा कोई खास दिक्कत हुई नहीं है, हमें आराम से आए मस्त एकदम, ठीक है, और अब हम एंटर कर जाएंगे, कल हम जाएंगे अपनी ब्यूटीफुल लोकेशन से जो हर्षा ने करके विश्वा दिखो रही, बिजी है अभी, डिनर शुरू कर रही है, ठीक है, तो बाकी मज़े करो, एंजॉय करो, और ये शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो प्लान कर रहे हैं बाहर की ट्रिप बाली साइड आने की, बहुत हेल्प करेगी। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें हम बाली एक्सप्लोर करेंगे अलग अलग जगह, 10 दिन हम रुकने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ फैमिली एंड स्टे फिट, ओवर एंड आउट।